Hi guys, I'm Shashank. Welcome back to my channel Vodofa. So today I'll be talking more about the container homes. आपने office containers, containers, docket containers के बारे में सुना होगा. I have a special guest here, Mr. Kumar, who is owning this company and he'll be talking about कैसा ये container home है, कैसे बनता है और ये कैसा feel आता है. तो बहुत मज़ा आने वाला है, इस वीडियो में बने रहें और बहुत सारा कंटेनर होम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें. Let me introduce Mr. Kumar. He owns the property and the company. So he'll be telling more about कि है क्या, इतना खूबसूरत देखने वाली चीज क्या है. So please introduce yourself. I am Kamal Kumar and owner of Kumar and Associates. And we are the manufacturers of container offices, container homes and cafeteria containers. And providing the services pan India with our manufacturing units in Delhi, Mumbai, Bangalore and Jaisalmer. Lovely. So I mean Mr. Kumar, so if I container homes is a very nicer concept. ये इंडिया में अभी धीरे धीरे बहुत promising होता जा रहा है, क्योंकि पहले मुझे लगता है 8-10 साल पहले इतना ज़्यादा known नहीं था. But last 3-4-5 years I've been seeing lot of traction here. So आप इस घर के बारे में क्या बताएंगे, तो ये कैसे बनता है, कितना durable है और so on so forth. अगर मैं durability की बात करूँ तो इसकी durability जो है 30-50 years है. Okay. एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बोलूँ तो दीज ऑल आर मेड ऑफ MS स्ट्रक्चर. हमारी इन हाउस टीम है जो इसको फैब्रिकेट करती है और उसके बाद इसके अंदर हर वो चीज़ लग सकती है, हर वो प्रोडक्ट लग सकता है जो आप अपने जनरल घर के अंदर लगाते हैं. अच्छा. एंड ग्लासेस, लाइट्स, सैनिटरी फिक्चर्स, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, रूफ वॉकिंग, मतलब Our team is ready to do any type of product in container home. Lovely. So guys, this is an important point to note कि आप घर में कुछ भी जो करना चाहते हैं, because I talk about lot of luxury. हमारा project, हम luxury projects करते हैं sir, कुमार जी. And होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं container home की बात करूँगा तो basic होगा, पर आपने बोला कि आप किसी भी तरीके का product, Italian marble हो, tile हो, ceiling हो, क्या ये सब लगा सकते हैं? ये सब कुछ possible है. यहाँ तक कि जैसे कि आप अपने घर के अंदर कोप बनाते हैं, same कुछ इसके अंदर भी होगा. Okay. और मैं अपने आप बनाऊंगा और वो आपके पास पहुंच जाएगा, चाहे यहाँ से कितने हजार या 2000 किलोमीटर. अच्छा. एंड भेजे हैं. अच्छा. और अभी हार्डली में 1-1.5 महीने पहले ही भेजा है यहाँ से, MP भेजे हैं. MP भेजे. ओके. और उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब रहे हैं. अच्छा. वाओ, वेरी नाइस. हनुमंतिया एक वहाँ पे जल महोत्सव करके चल रहा है प्रोग्राम. एंड वी आर बेसिकली वी हैव प्रोवाइडेड 4 कंटेनर्स देयर. वंडरफुल. और उसके अंदर शायद जितने भी MP के डिप्लोमेट्स हैं वो सब रुके हैं. सो अगर मैं कंटेनर होम की बात करूं, सो ये अप्रॉक्सीमेटली आई विल से कि साइज, इसका साइज जनरली क्या होता है, सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी में कैसे बन सकता है? हाँ, एक स्टैंडर्ड अगर बोलूँ तो द साइज इज 20x10. अच्छा. और बड़ा जाता हूँ 30x10, 40x10. 40 फीट बाई 10 फीट एंड हाइट इज? Height is generally 8 feet, Achha. Which can be extended to 9 as well as 10 also. Achha, 9 or 10 we can do it. Yes. Okay. वो customization पूरा कर लेते हैं हम लोग. Because by the end, if you are a customer, yeah, yeah. तो आपकी जो भूख है मुझे तो पूरी वो करनी है. Correct. तो as a result, we are open always for that. Wonderful. So, I mean, if we say, let's say somebody is trying to make a hill home, and will this be a perfect fit for that particular customer? Yes. Achha. It is good for any of the terrains. Achha. आप इसे जम्मू कश्मीर में लगा लो, आप लेह लद्दाख में लगा लो, अंडमान लगा लो, चाहे राजस्थान में जैसलमेर लगा लो. अच्छा. एनीवेयर, क्योंकि हम लोग उसको इंसुलेट करते हैं. ओके. एंड एज पर द टेरेन करते हैं. अच्छा, व्हाट एवर इज द लोकल एरिया उसके मुताबिक उसे करते हैं. तो गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी हम इस तरीके के प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले वेदर कंडीशंस को सोचना चाहिए. बिकॉज अगर आप उत्तराखंड में बात करोगे तो एक्सट्रीम वेदर होगा, जैसलमेर की बात करेंगे तो एक्सट्रीम वेदर होगा. So we have to see, and as Mr. Kumar rightly said, so they insulate the product. ये properly उसको insulate करते हैं, properly घर की shape देते हैं कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक बक्से में रह रहे हैं और ये माचिस की डिब्बी में रह रहे हैं. So you can customize the size accordingly. अब अगर Mr. Kumar ये 2 story बना रहे हैं, 3 story बना रहे हैं, तो अंदर से connect कैसे होगा? Generally हम लोग stairs बाहर से ले जाते हैं, instead of अंदर से ले जाएं, so that space खराब नहीं हो. Okay. And अगर उसे मतलब client कहता नहीं मुझे तो अंदर से ही चाहिए,
देन वी विल मेक इट एट द साइट. ओके. और कंटेनर की विड्थ को बड़ा करना पड़ेगा. ओके. जैसे अभी एक हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर द विड्थ इज 12 फीट. ओके. वो क्लाइंट की साइट पे बनाएंगे बिकॉज वो ट्रांजिट नहीं हो पाता ज्यादा क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. हाँ, तो उसमें हम लोग जो जितनी भी स्टेयर्स हैं वो अंदर से ले जाना. वंडरफुल. So, Mr. Kumar, if you tell something to our customers, like what is the general cost it will start with? I'm not saying ki exact cost mil jaye kyunki customization hoga, I'm sure. Generally, it starts from 2000 rupees a square feet. Okay. And it can go till 4000 to 5000 rupees per square feet also. Okay. Depends upon the luxury or materials you want. So, agar hum 2000 ki baat kare ya 2500 square feet ki baat kare to ye aap andar andar carpet area pe mark karenge ya isko kis tarike? Nahi, hum log to generally isko kyunki external karte hain, kyunki meri walls jo hoti hain ये तो केवल 2.5 से 3 इंच की होती है. ओके. तो ओवरऑल बात करूंगा तो 6 इंच केवल रिड्यूस हो रही है. राइट. तो जनरली वी गो विद एक्सटीरियर एक्सटर्नल, उसको मैपिंग करते हैं, एक्सटर्नल मैप करते हैं, उस हिसाब से बनता है. तो ये इजी होता है कस्टमर को अपने यहाँ लगाना, इंस्टॉल कराना? इट इज वेरी 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 इजी. मतलब इतना इजी है कि मैं यहाँ से बनाऊंगा और 10 से 15 दिन में उसके पास पहुंच जाएगा. अच्छा, आइए बाहर देखते हैं. ओके. एंड उसके बाद में फिर तो जैसी उसकी रिक्वायरमेंट हो जाए. अच्छा, आपने बाथरूम बनाया यहाँ पर? हाँ जी. सो गाइज, ये भी एक देखने वाली बात है कि देखो पूरा एक अच्छा बाथरूम विद द जैगुआर फिटिंग एंड व्हाटसोएवर, आप एक अच्छा लग्जरी बाथरूम बनाना चाहें बना सकते हैं. तो ये सब कुछ आप करके देंगे जब आप हमें इंस्टॉल करके देंगे प्रोडक्ट? तो सो फॉर द कस्टमर इट इज एन एंड टू एंड प्रोडक्ट. मैं लॉक एंड की भेज रहा हूँ. अच्छा. उसकी नीड्स उससे पता कर लूंगा और उसके बाद में उसको बना के यहाँ से भेज दूंगा. दैट इज उसको केवल अपना फर्नीचर जरूर लेके आना है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज अगर लानी है तो. एंड आफ्टर दैट तो फिर वो अपना आए और तुरंत रहना शुरू कर दे. रहना शुरू. तो ये कितना दिन लगता है इसको डिलीवरी, इंस्टॉलेशन एंड कंस्ट्रक्शन में? जनरली अगर 200 स्क्वायर फीट का है तो मैं 10 से और 15 डेज तक का टाइम डिमांड करता हूं. अच्छा. एंड इट इज सफिशिएंट फॉर अस. फॉर अस. अच्छा, 10 टू 15 डेज इज इनफ. ये जिसमें आप खड़े हुए हैं समय कंटेनर में. अच्छा. It was prepared in 14 days. Wow. अच्छा, तो guys ये बहुत बड़ी बात है. पहाड़ों में अगर आप construction कर रहे हैं, दिल्ली में construction कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने, 8 महीने, 2 साल तक लग जाते हैं. और कुमार साहब 15 दिन में, मतलब मैक्सिमम आप सोचें 30 दिन में आपका घर रेडी है. इट्स अ अमेजिंग अचीवमेंट सर. ये बहुत ही कम सुना है मैंने हिंदुस्तान में, और आप ये लेके आए हैं तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट आई गेस हमारी इंडस्ट्री के लिए. कुमार जी की टीम का नंबर, लिंक वगैरह सब डाल दूंगा. सो आप आराम से उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. आप दिल्ली, NCR, पैन इंडिया कहीं पर भी हैं वो कर सकते हैं. अच्छा, आप वर्ल्ड में इंटरनेशनली इसको भेज सकते हैं? इंटरनेशनली अभी तक हम लोगों ने नेपाल, भूटान, अफ्रीका भेजा है, यहाँ तक का काम करा हुआ है. बाकी अब नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइन करने वाली है अगले साल से, तो भी आप प्लानिंग की शायद थोड़ा सा और एक्सपांड करेंगे. लवली. सो एक बार मैं बाहर से आपको होम दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा. और ये बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि कंटेनर होम है. तो मिस्टर कुमार ने इतने अच्छे से इसे डिज़ाइन करवाया है. सो इट इज़ गिविंग अ फील ऑफ अ गुड लग्जरी, आई मीन स्पेस. सो फॉर द पीपल हुएवर इज़ वॉचिंग दिस, एक बार आप पूरा टूर देखें, इसका बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच सर. आपको अगर देखना है तो आप ऊपर भी दिखा सकते हैं एक बार. प्लीज आइए सर, एक बार टेरेस को भी जरूर देखते हैं कि टेरेस पे क्या स्ट्रक्चर होने की जगह. ये एमएस में है, दैट्स ऑल. बाकी आप देखो उधर स्काई लाइट भी लगा रखी है, पूरा लगा रखा है. आगे भी हमने जो एक्सटेंशन दिया दैट इज फुल ऑफ ग्लास, टफ एंड ग्लास. और उसके ऊपर मेरे ख्याल से नहीं करते. अच्छा, 500 किलो से ऊपर का मैंने सामान रखा हुआ है इसके. एंड दिस इज ऑल टफ एंड ग्लास. वेरी गुड. अच्छा, तो अगर किसी को गजीबोज बनाने हैं, पैरागोलास बनाने हैं, इसके ऊपर हम एक्सटेंड करके बना सकते हैं? यस. ओके. नहीं, बहुत अच्छा है. गाइज, आई मीन व्होएवर इज वॉचिंग अस टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. और मुझे बहुत मजा आ रहा है कुमार जी से बात करके. तो अभी भी और डिटेल्स लेता हूँ और फिर आपको बताऊंगा. थैंक यू सो मच. साइनिंग इट ऑफ शशांक जैन.